इतनी जल्दी भी क्या थी, सोनम ट्रोल होने में भी नहीं लगी देर। सोनम को जैसे ट्रोल होने की आदत हो गई है। शादी भी की तो पति का सरनेम लगाने पर ट्रोल होगी। चाहे शादी करें सोनम कपूर, चाहे अपने रिसेप्शन पर अपने पसंदीदा डिजाइनर की ड्रेस पहने, चाहे अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को बर्थडे विश करें, उन्हें ट्रोल करने वालों की कमी नहीं। इन दिनों सोनम की शादी जितनी चर्चा में है उतना ही निशाने पर है उनका अपना नाम बदल लेना, सोनम कपूर के आगे अपने पति आनंद आहूजा का सरनेम लगा लेना। वे अब सोनम कपूर आहूजा हो गई हैं। इतनी जल्दी भी क्या थी सोनम। नाम बदल लेने से सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है उनकी। लोग कह रहे हैं कि आप तो हमेशा महिलाओं की बराबरी की बात करती हैं, फिर पति का सरनेम अपने नाम के आगे लगाने की इतनी जल्दी क्या थी। लोग प्रश्न कर रहे हैं कि आपके इस कदम से क्या उन लड़कियों पर दबाव नहीं बनेगा जो शादी के बाद नाम बदलने से इनकार करती हैं। अब उनसे यह कहा जा सकता है कि देखो सोनम कपूर जैसी एक एक्ट्रेस तक ने शादी के बाद नाम बदल दिया। एक्टिविस्ट और लेखक तस्लीमा नसरीन ने भी ट्वीट किया और कुछ इस तरह से लिखा कि क्या आनंद आहूजा अपना नाम बदलकर आनंद आहूजा कपूर करेंगे। सोनम कपूर ने अपनी शादी के कुछ देर बाद ही अपने सभी सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर अपने नाम के आगे पति का सरनेम जोड़ दिया है। करीना भी बन गई टारगेट। सोनम ने रिसेप्शन पर अपनी फेवरेट डिजाइनर फैशन डिजाइनर अनामिका खन्ना का डिजाइन किया गया व्हाइट एंड ग्रे कलर का लहंगा पहना। व्हाट्सएप पर उनके लहंगे को पर्दे का डिजाइन बताने वाला मैसेज भी काफी सर्कुलेट हुआ। शादी की रात ही हुए रिसेप्शन में करीना कपूर भी अपनी ड्रेस के कारण ट्रोल्स के लपेटे में आ गई। करीना डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के द्वारा डिजाइन की गई गोल्डन कलर की ड्रेस पहनकर आई थी, लेकिन उनके फैंस को उनका यह लुक पचा नहीं। एक यूजर ने लिखा कि करीना तुम बीमार लग रही हो, और एक फैन ने तो यह तक लिख दिया कि तुम चेहरे से बूढ़ी लग रही हो। बर्थडे विश पर ट्रोल। सोनम कपूर अपनी बहन रिया कपूर और फिल्म खूबसूरत में उनके को एक्टर रहे फवाद खान को बर्थडे विश करने पर भी ट्रोल की गई। 5 मार्च को सोनम कपूर की बहन रिया कपूर का जन्मदिन था, तब सोनम कपूर ने रिया कपूर को इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट कर बर्थडे विश किया। तस्वीर पोस्ट होते ही सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई थी सोनम कपूर। दरअसल 24 फरवरी को भी देवी का निधन हुआ था। ऐसे में कपूर परिवार को खुशियां मनाते देख कुछ यूजर्स ने सोनम को ट्रोल करना शुरू कर दिया और इसे घर में डेट होने पर भी सेलेब्स के शो ऑफ का नाम दे दिया। इसी तरह से एक्टर फवाद खान के बर्थडे पर भी सोनम कपूर ने जब उन्हें विश किया तो ट्रोल्स ने यहां तक कह दिया कि आप पाकिस्तान ही क्यों नहीं चली जाती। गलत जवाब, सोनम लाइन हाजिर। एक बार जब सोनम ने अपनी मैथ नॉलेज दिखाते हुए ट्विटर पर एक पहेली का गलत जवाब दे दिया तो वे ट्रोल हो गई। दरअसल फिल्म एयर मैगजीन के एडिटर जितेश पिलाई ने एक पहेली सोशल मीडिया पर डाली कि तस्वीर में कितने ट्रायंगल यानी त्रिकोण हैं। सोनम ने इसका तुरंत जवाब दे दिया 7। बस फिर तो ट्विटर यूजर्स ने सोनम को लाइन हाजिर कर दिया। कई लोगों ने लिखा कि सोनम को जाकर ट्यूशन लेनी चाहिए, तो कई ने बिहार की फेक टॉपर रूबी रे से उनको जोड़ दिया। जल्द ही सोनम ने अपनी गलती मान ली और ट्वीट किया, मैं मैथ्स में बहुत बुरी हूँ। जैसे ही मैंने ये ट्वीट किया मुझे मालूम था कि मैं गलत हूँ और अभी भी सही जवाब नहीं मालूम। गलत नक्शा डाल दिया ट्विटर पर। सोनम कुछ अच्छा भी कहना चाहें तो भी ट्रोल्स उनकी कुछ न कुछ गलती निकाल ही लेते हैं और सोशल मीडिया पर सोनम की आलोचना शुरू हो जाती है। एक बार जब सोनम ने एक लेख लिखा और उसके कुछ अंश ऑनलाइन शेयर किए तो उसमें फर्क आया और सोनम ट्रोल हो गई। लोगों ने लिखा काश सोनम कपूर के पापा ने उन्हें राष्ट्रगान रटाया होता। सोनम ने जब भारत का गलत मैप सोशल मीडिया पर डाल दिया तो भी अच्छा खासा ट्रोल हुई। दरअसल सोनम ने अपनी बहन रिया कपूर के साथ मिलकर डिजाइनर कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया और इसके प्रमोशन की एक पोस्ट में भारत का नक्शा शेयर कर बताया कि भारत के किन शहरों में उनके स्टोर हैं। भारत के इस नक्शे से कश्मीर गायब था। बाद में सोनम ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। हाल ही में सोनम की दोस्त स्वरा भास्कर ने एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में सोनम बिकनी में नजर आई थी। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने सोनम को ट्रोल करना शुरू कर दिया था और स्वरा ने उन्हें लताड़ा था।